हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करिश्मा फ्रॉम एड्यूराइजन। आज के इस वीडियो में मैं दो इम्पॉर्टेंट अपडेट और दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू 2024 आईमैट एग्जाम के बारे में शेयर करने वाली हूँ। बट बिफोर आई शेयर अबाउट 2024 आईमैट एग्जाम, मैं आपसे कुछ चीज़ें हैं, दिस इज फॉर MBBS एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर देयर पेरेंट्स, आप दोनों से मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के डेट में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इंडिया में, फिर वो चाहे नीट हो या JEE मेंस एंड एडवांस हो या CUET का एग्ज़ाम हो, हर जगह कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ही है। हर जगह कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है कि मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में अपने स्कूल में एक्सेल करते हैं, स्टूडेंट्स हु स्कोर अबव 85-90% इन द 12th, इवन फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड कॉलेज और अ गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट नीट 2024, अब सबको पता है व्हाट हैज़ बिन द सिनेरियो दिस ईयर। नीट का इतना टफ एग्ज़ाम हमेशा से तो था ही, लेकिन इस साल जो ब्लंडर हुआ है नीट के एग्ज़ाम में, पेपर्स जो लीक हुए, उसके वजह से जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उनका भी कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, प्लस कट ऑफ्स इतने हाई गए हैं उसकी वजह से कि अच्छे कॉलेजेस का मिलना भी नामुमकिन हो चुका है। इवन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड रियली गुड, इवन दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन चूजिंग द यूनिवर्सिटी दे वांट। तो बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि आप जब भी MBBS करने के बारे में सोचते हैं एज अ स्टूडेंट, या कोई पेरेंट ये डिसीजन लेता है कि हाँ मेरा बच्चा MBBS करना चाहता है, तो आप ज़रूर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या कहीं जा करके एनरोल होते होंगे, अपनी नीट की तैयारी करते होंगे, फिर वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उन सारे सेंटर्स पे, उसके बेसिस पे जो स्कोर आते हैं, उन स्कोर के बेसिस पे आप आपस में ज़रूर एज अ स्टूडेंट एंड पेरेंट आप लोग डिस्कशन करते होंगे कि अच्छा हमने एग्ज़ाम दिया है अपने इंस्टीट्यूट में, हमारे ये स्कोर आया है, तो इसके हिसाब से ना जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उसमें हम ये सारे स्टेट के ये सारे कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करते होंगे, लेकिन जब आप नीट देते हैं और उसका जब कट ऑफ आता है और आपने जो पहले से सोच रखा है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ मैच नहीं होता है, देन यू गेट डिसअपॉइंटेड। यू एज अ स्टूडेंट गेट डिसअपॉइंटेड एंड यू एज अ पेरेंट, यू बोथ गेट डिसअपॉइंटेड। सो स्टूडेंट्स, आपके प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग जब आपका कट ऑफ नहीं मैच होता है, आपको सीट नहीं मिलता है, तब आता है एक ऐसा रेफरल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ आप डिसीजन लेते हैं टू चूज टू स्टडी MBBS इन अब्रॉड। अब अब्रॉड की जब हम बात करते हैं तो इटली एक ऐसा डेस्टिनेशन है स्पेसिफिकली MBBS प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको दिए जाते हैं, एंड इट इज़ आल्सो होम टू द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इटली का मेडिकल या हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे कि वो सेकेंड नंबर पे आता है, इट कम्स आफ्टर USA, और इटली का जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ एट पार विथ USA, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया। सो स्टूडेंट्स, इटली इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इफ़ यू चूज टू स्टडी अब्रॉड फॉर MBBS प्रोग्राम। अब आज के इस वीडियो में मैं जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू IMAT 2024 एग्जाम डिस्कशन करने वाली हूँ, तो उसमें से जो पहला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू IMAT 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है। अब जितने स्टूडेंट्स ने IMAT 2024 के लिए अपियर किया है, आई एम श्योर आपको पता होगा, क्योंकि आपने जब अपनी IMAT की तैयारी की होगी तो आपने प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व किए होंगे। तो इस साल का जो IMAT का पेपर है दैट वाज वेरी वेरी इजी, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी सेक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं इस बार IMAT 2024 का। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया है, इट वाज वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये और भी ज़्यादा इसीलिए इजी है क्योंकि वो नीट जैसे बहुत ही टफ एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि IMAT बहुत इजी है, IMAT का भी जो टफ लेवल है वो एक अलग लेवल का है, लेकिन अगर हम
पास्ट फ्यू ईयर्स के पेपर्स को 2024 IMAT एग्जाम के पेपर्स से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल का यानी कि 2024 का जो IMAT एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए स्कोर करना बहुत हाई हो गया था। पहले के क्वेश्चन पेपर्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर हम सेक्शन देखेंगे तो बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन इस साल का यानी कि 2024 IMAT एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेक्शन देखेंगे तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टू सॉल्व पेपर आया है। नाउ लेट्स कम टू द बायोलॉजी सेक्शन, जो कि मेजर ऑफ द क्वेश्चन यानी कि आउट ऑफ 60, 23 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी था। बायोलॉजी के सेक्शन में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ट्रिक करके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड थे। अब जहाँ क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी होता है तो वहाँ स्कोरिंग बहुत हाई जाती है और इसके वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ्स पे। तो यानी कि जब क्वेश्चन पेपर इजी है, स्कोरिंग बहुत हाई है, तो कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। यानी कि इस साल 2024 में जो IMAT का जो कट ऑफ जाएगा हर यूनिवर्सिटी वाइज वो बहुत हाई जाने वाला है। मतलब एक अगर पॉजिटिव चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आई है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अब हम हर साल ईजी क्वेश्चन पेपर तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हम हर साल जो भी स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं फॉर IMAT उनकी इस तरह से हम तैयारी करवा सकते हैं, उनकी इस तरह से हम प्रेपरेशन करा सकते हैं, उनके पोटेंशियल को हम इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं जिससे टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर भी उनके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो एंड दे कैन स्कोर मोर देन 50 इन द IMAT पेपर। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल है Edurizon के साथ। आई विल टेल यू हाउ। Edurizon के पास Edurizon IMAT की एक पूरी प्रॉपर टीचिंग टीम है। दोज टीचर्स हैव मोर देन 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे पास हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड IMAT में क्वेश्चंस आते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास अलग अलग उनके टीचर्स हैं। इन टीचर्स का एक प्रॉपर प्रोफाइल मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी। हर एक टीचर के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ YouTube के पेज पे, हमारे चैनल पे मैं शेयर करूंगी, दैट यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो किस तरह से एक स्टूडेंट के पोटेंशियल को किस तरह से वो निखार कर सकते हैं। इफ़ यू एनरोल विथ Edurizon फॉर एडमिशन्स इन इटली, हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेमो क्लास दिलवाएंगे अपने Edurizon IMAT के टीचर्स से। और उस डेमो क्लास, उस एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेमो क्लास आपको मिलेगा, आप डेफिनेटली एनालाइज कर पाएंगे दैट हाउ गुड आर टीचर्स आर। Edurizon IMAT के जो टीचर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो किस तरह से आपको प्रिपेयर कराएंगे सो दैट यू कैन स्कोर गुड नंबर्स इफ़ यू अपियर फॉर IMAT एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एंड इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन सारे स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच जाए जिनको अब्रॉड स्टडी या IMAT एग्जाम से रिलेटेड जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।